सत श्री अकाल पीडीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे अहम खबर दे नाल जो सीधा संबंधित है कुलतार संधवा दे नाल। कुलतार संधवा बीते दिन बठिंडा गए तो इस दौरान उन्होंने वालों गौ माता की जिथे पूजा की गई तो इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है जिस कुलतार संधवा गां तो आशीर्वाद ले रहे सन। ये वीडियो सोशल मीडिया उत्ते खूब वायरल हो रही है जिसका विरोध भी किया जा रहा है। उस तो बाद की कुछ होया विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवा श्री अकाल तख्त साहब पहुंच गए। श्री अकाल तख्त साहब पहुंच के उन्होंने वालों मुआफी मंगी गई। दस्तार उत्ते गां की पूछ लगाते मुआफी मंगी गई है। वीडियो तुम देखो देख सकते हो कि पहला कुलतार संधवा गौ माता की पूजा करते हैं उस तो बाद गौ माता की गां की पूछ के नाल आशीर्वाद लेंदे ने जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। विधानसभा स्पीकर संधवा के वालों श्री अकाल तख्त साहब तो मुआफी मंगी गई है। दस्तार उत्ते गां की पूछ लगवाउण ते मंगी मुआफी है। श्री अकाल तख्त साहब पहुंच के कुलतार संधवा के वालों मुआफीनामा भी सौंपया गया। कई सिख जथेबंदियों ने इस गल का विरोध जाहिर किया है। गां तो आशीर्वाद लैण की वीडियो खूब वायरल हो रही है। एक बार फिर तो तुम्हें दिखाने ये तस्वीर किसकी है। पहला बठिंडा पहुंचे कुलतार संधवा जिस दौरान गां की पूजा की गई तो बाद पूंछ अपने पग से लगवाते हुए नजर आ रहे सन। दस्तार से लगवाते हुए नजर आ रहे सन जिसका जबरदस्त विरोध होया। विरोध होंदया सारी कुलतार संधवा पहुंच गए श्री अकाल तख्त साहिब देर शाम तो उत्थे जाके उन्होंने वालों अपना मुआफीनामा सौंपया गया। मुआफी मंगी गई उन्होंने वालों। सिख जथेबंदियों के वालों इस वीडियो का कड़ा विरोध किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि धार्मिक सिखा धार्मिक भावनावां के बिल्कुल खिलाफ ने जो कुलतार संधवा के वालों यह किया गया। मैं शुकराना भी करना है तो आपकी भुल भी बख्शा है। जाने जाने गलतियां भी होंगे गलतियां मतलब गलती का पुतला है जी मैं और पंथ नूं मैनूं लगता भी इस निमाणे जे दास तों कुछ उम्मीद है। बड़े वड्डी जिम्मेवारी बख्शी है सो पंथक रौह रीतां दी पहरेदारी करना भी उन्हां विचों इक है। सो गुरु मैनूं बल बख्शे कि मैं सारे धर्मां दा सत्कार करता होया गुरु दा हुक्म है सारिआं दा सत्कार करता होया इह जिहड़ा आपदा फर्ज है इहनूं निभावां पर अरदास इही करके चलिआ सच्चे पातशाह दास दे हिरदे दे विच गुरु दा भै गुरबाणी दा प्रकाश ते गुरु पंथ दा प्यार बख्शी। सो वीडियो सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रही है जिस तो बाद कुलतार संधवा वालों मुआफी मंगी गई। श्री अकाल तख्त साहब जाके रुका लेने साडे सहयोगी बने हुए ने इस खबर ते मनिंदर मोंगा। मनिंदर देख रहे हां कुलतार संधवा दे वालों पहला गां दा आशीर्वाद लिता जांदा है जदों उन्हां नूं पता ही है कि सिखां दीआं भावनावां दे बिल्कुल खिलाफ है ये जो उन्हां दे वालों किया जा रहा है तो फिर मौके पर ही उन्होंने वालों क्यों पहला कदम नहीं पुटिया गया क्यों मना नहीं किया गया। बाद विच तां जरूर अकाल तख्त साहब मुआफीनामा सौंपण दे लई पहुंच गए सन। बिल्कुल कावी कोटकपुरा विधानसभा हल्के तो जित के विधानसभा च पहुंचने वाले और पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा भी बीते दिन एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिस विच गऊ दी पूछ तो अपनी दस्तार से आशीर्वाद लेंदे हुए दिखाई दिते सन। जिस वीडियो के वायरल होने तो बाद समुचिया सिख पंथ जथेबंदियों वालों इसका विरोध किया जा रहा है। सिख बिरादर के इस उल्ट दसिया जा रहा है तो आखिरकार हुण देर सही पर श्री अकाल तख्त साहब से बीती देर शाम अचानक पहुंचे कुलतार सिंह संधवा और श्री अकाल तख्त साहब के सकत्रेत विखे उन्होंने वालों एक लिखती रूप के माफीनामा दे के अपनी भुल बख्शाउण की जी गल है वह आखी गई। हुण देखने वाली गल यही होगी कि पंच सिंह सिबान वालों क्योंकि कुलतार सिंह संधवा के खिलाफ कोई लिखती रूप शिकायत नहीं पहुंची थी पर वीडियो जरूर वायरल हुई थी और फोन भी काफी जो है वह श्री अकाल तख्त साहब से आए सन कार्रवाई करने के लिए पर हुण कुलतार सिंह संधवा वालों माफीनामा लिखती रूप के दे दिता गया कि हुण नेड़ भविख में जदों भी पंच सिंह सिबान की कतरता होगी तो उस बैठक में इस संबंध में विचार वटांदरा किया जाऊगा। पर फिलहाल जो जानकारी है कुलतार सिंह संधवा वालों लिखती रूप में अपनी माफी जी है वो मंगी गई है अपनी भुल बख्शाउण की गल की गई है जाने अनजाने जी गलती हुई है उसनों मनिया गया।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੱਲ फिलहाल ही थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर इस तमाम जानकारी दे लई। सो मनिंदर भी जानकारी दे रहे सन कि पहला कुलतार संधवा दे वल्लों गां दा आशीर्वाद लिता जांदा है, दस्तार उते गां दी पूछ लगवाई जांदी है, आशीर्वाद प्राप्त किया जांदा है ते बाद विच खुद अकाल तख्त साहिब पहुंच जांदे ने मुआफीनामा सौंपण दे लई।